अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरियाजुल्ला और आप लोग देख रहे हो पी के टेली कम्युनिकेशन। पी के टेली कम्युनिकेशन की जानिब से आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एच डी बी लिंक के कन्फिगर होने का एक प्रोसेस आप लोग को बताएंगे कि एच डी बी लिंक जब हम कन्फिगर करते हैं टेम्परेरी, इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम पावर अप किस तरह करते हैं और कौन से पोर्ट पे हम लैपटॉप वाला लैन केबल लगाएंगे ताकि इसकी हम कन्फिग्रेशन कर सकें। अक्सर नए इंजीनियर्स ऐसे हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होती है इसी एच डी बी लिंक को कन्फिगर करने में, तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह हम इसकी कन्फिग्रेशन की प्रोसेस करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो आप सामने देख सकते हैं ये 80 गीगा लिंक्स है, एच डी बी लिंक है, ठीक है। इसकी इंस्टॉलेशन अभी जारी है और हम आपको दिखाते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन की प्रोसेस किस तरह होती है। इसमें ये लगा हुआ है, ठीक है, आर टी एन 380 इसके ऊपर लिखा हुआ है। इस पे ये पोर्ट्स है, ये ठीक है। हमने इसको अभी टम्परेरी पावर अप किया है और ये लैन केबल लगा हुआ है लैपटॉप का। अभी आप सामने देख सकते हैं इसका जो है इस पावर अप है और ये ब्लैंकिंग कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने टम्परेरी पावर अप किया है इधर और मैं लैन केबल के थ्रू लॉग इन हूँ। ये लैन केबल आप देख सकते हैं पावर पोर्ट पे आप लोगों ने इसको टम्परेरी पावर अप करना है, ठीक है, और पी एंड ई पोर्ट पे आप लोगों ने लैपटॉप वाला लैन केबल लगाना है, जैसा कि मैंने लगा दिया है। ये लैन केबल है, ठीक है। अभी मैं आगे जाता हूँ लैपटॉप की तरफ। इसको मैंने अभी टम्परेरी पावर अप किया है लैपटॉप, आप देख सकते हैं ये हमने वैसे टम्परेरी पावर अप किया है, ठीक है। फिर हम इसको ब्रेकर से परमानेंट पावर अप करेंगे सही तरीके से, केबल रूट वगैरह सही तरीके से करेंगे। ये टम्परेरी पावर अप किया है हमने और ये लैन केबल मैंने जो आपको बता दिया पी एंड ई पोर्ट पे हमने लगाया था, इसको मैंने लैपटॉप वाले RJ45 पोर्ट पे लगा दिया है, ठीक है, और मैं लैपटॉप के थ्रू लॉग इन हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, अभी इधर बात आती है नए इंजीनियर्स के लिए कन्फ्यूजन की, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी लॉग इन होने का तरीका सिंपल है, जस्ट आप लोगों ने इसमें न्यू पासवर्ड जो है ना वो क्रिएट करना होता है, इसके बाद आप लॉग इन हो जाए। ये इन एक्सप्लोर पे मैं आता हूँ, ठीक है। इधर आप सामने देख सकते हैं MXX14B ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये कार्ड जो है ना जिस तरह हम ऐड करते हैं ISM 8 कार्ड, ISM 6 कार्ड, ISV 3 कार्ड, तो इधर वो सीन नहीं है, ये खुद ही डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। जिस टाइम आप वो RTN 380 इंस्टॉल करेंगे और इसको पावर अप करेंगे और इसके साथ लॉग इन हो जाए तो ये खुद ही डिटेक्ट करेगा। इसके बाद फिर आपने माइक्रोवेव लिंक कॉन्फ़िगरेशन में आना है। माइक्रोवेव लिंक कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह है, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल पुराना जैसा है, जिस तरह कि हम सिंपल लिंक की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बस उसी तरीके से आप लोगों ने लिंक बजट के थ्रू इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना है। जैसा कि मैंने अभी इसको कॉन्फ़िगर किया है, आप सामने देख सकते हैं ये 500 MHz लिंक बजट के मुताबिक मैंने डाल दिया है। ये एम स्टेटस इनेबल किया है, इसके बाद ये QPSK663 ये डाल दिया है और ये पोल कैपेसिटी वाला मॉड्यूलेशन ये भी डाल दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद नीचे आते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी डाल दिया है मैंने TX फ्रीक्वेंसी और इसकी जो TR स्पेसिंग है वो भी डाल दिया है और TX पावर 9 ये भी रखा है। ये सारा कुछ मैंने लिंक बजट के मुताबिक किया है, बस सारा प्रोसेस फिर उसी तरह है, बस आप लोगों ने सिर्फ उसको टेम्परेरी पावर अप करना है जिस कॉन्फ़िगर होने से पहले, और इसके पी एंड ई पोर्ट पे आप लोगों ने लैपटॉप का लैन केबल लगाना है और इधर लैपटॉप में RJ45 पोर्ट पर कनेक्ट करना है और बाकी फिर कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह है। कार्ड की बात आती है, जिस तरह ISM 8 कार्ड हम ऐड करते हैं, ISV 3 कार्ड, इसमें वो सीन नहीं है, इसमें ये खुद ही डिटेक्ट करेगा, ठीक है, ये खुद ही डिटेक्ट करेगा। और फिर इसके बाद आप लोगों ने माइक्रोवेव लिंक कॉन्फ़िगरेशन में आना है और इधर लिंक बजट के मुताबिक सारा कॉन्फ़िगरेशन डालना है। अभी लिंक की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो डाल दूंगा, आप उधर से लिंक की कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हैं कि एक हवा में माइक्रोवेव लिंक की कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह हम किस तरह डालेंगे लिंक बजट के मुताबिक। इसमें नए इंजीनियर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन से पहले उसको इस तरह टेम्परेरी पावर अप करना है, जिस टाइम ये प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो जाए, ठीक है, नीचे ग्राउंड पर, फिर आप लोग इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करें और इसकी केबल राउटिंग वगैरह सही तरीके से लेके आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये शॉर्ट सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पी के टेली कम्युनिकेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि वह जितने भी वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आसानी से मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।